देखो डब्ल्यू सुस की बात की थी हमने। देखो डब्ल्यू सुस सर्वर का काम क्या है, बेसिकली ये एक अपडेट सर्वर है। तो अपडेट सर्वर का काम होता है क्लाइंट्स में अपडेट्स को सेंड करना। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो क्लाइंट होते हैं हमारे पास, वो डायरेक्ट इंटरनेट से जाके अपडेट उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आप ये कॉरपोरेट नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे इस तरह का प्रोसीजर नहीं होता कि भाई क्लाइंट मशीन खुद ब खुद इंटरनेट से जाके अपडेट उठा ले, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट वो अपडेट उठाती है, तो उसमें देखो एक तो वल्नरेबिलिटीज की पॉसिबिलिटी होती है, दूसरा आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक कोई कर सकता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू अपडेट उठाते हो, तो अनवांटेड जो मालवेयर वगैरह है वो आपके सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रलाइज सर्वर क्या करता है, अपडेट सर्विसेज इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, और जितने भी जो क्लाइंट्स मशीन है उनमें इसके थ्रू अपडेट जाएगा सेलेक्टेड, यानी कि हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, और उसके बाद ही जाके वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट सर्वर है डब्ल्यू सुस सर्वर, वो इंटरनेट पे है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, अपना अपडेट सर्वर बनाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा अपडेट सर्वर होता है वो डब्ल्यू सुस के, जो माइक्रोसॉफ्ट के डब्ल्यू सुस सर्वर है उसके साथ सिंक बनाता है पहले। इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिंक होता है। और जब ये आपस में सिंक बना लेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अपडेट्स उठाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को बोलते हैं पैचिंग करना। ओके सर, तो पैचिंग करने के लिए देखो सबसे पहले प्लान करते हैं हम लोग, अपडेट को प्लान करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, उसके बाद अप्रूव करेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपका 1 2 3 4, ये 4 स्टेप होते हैं इसके, ठीक है। प्लान का मतलब ये हो गया, आपने एक डब्ल्यू सुस सर्वर लगाया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एक लार्ज इन्वायरमेंट है, तो आप मल्टीपल डब्ल्यू सुस सर्वर लगा सकते हो। अगर आप मल्टीपल डब्ल्यू सुस सर्वर लगाओगे, तो इस तरह का सिनेरियो होगा, मतलब एक आपका तो मेन सर्वर रहेगा, ये वाला, ठीक है। और इसके नीचे आप मल्टीपल डब्ल्यू सुस सर्वर लगाओगे, तो हमारा जो सर्वर होगा इसे कहेंगे अपस्ट्रीम सर्वर, और इसके नीचे जो सर्वर लगेंगे इनको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम सर्वर, ठीक है। तो ये जो डाउन स्ट्रीम सर्वर है, यही हमारे क्लाइंट को क्या करेंगे, अपडेट पहुंचाएंगे। मेन सर्वर इस सर्वर को अपडेट करेगा, और ये सर्वर आगे अपडेट करेगा, और हमारा जो मेन सर्वर है ये वैन से कनेक्ट रहेगा, और डब्ल्यू सुस का जो माइक्रोसॉफ्ट का डब्ल्यू सुस सर्वर है उसके थ्रू कनेक्ट होके अपडेट को सिंक करता रहेगा, ठीक है। और ये जो आपस में काम करते हैं, ये 8530 पोर्ट के और थ्रू ये काम जो करते आपस हैं। में काम, तो आपका जो मेन सर्वर होता है और डाउन स्ट्रीम सर्वर, उनके बीच में 8530 पोर्ट होता है। इसी तरह से हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के थ्रू 8530 पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो होता है इसके अंदर, समझ आया बात। जाएगा। यस सर, समझ गया। तो इसी चीज को बोलते हैं पैचिंग, पैचिंग करना, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पैच मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो हम लोगों ने जो सिनेरियो तैयार किया है, उसके लिए देखो रिक्वायरमेंट आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, देखो डब्ल्यू सुस के लिए रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके पास डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर डीसी, इसलिए जरूरत है हमें डीसी की, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी क्लाइंट होंगे वो डोमेन ज्वाइन वाले क्लाइंट होने चाहिए। हम लोग किसी भी ऐसे क्लाइंट को अपडेट नहीं दे सकते जो वर्क ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। यानी क्लाइंट मस्ट बी डोमेन ज्वाइन, तो उसके लिए डोमेन कंट्रोलर चाहिए चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है डीएनएस कनेक्टिविटी चाहिए, जितने भी आपके क्लाइंट हैं वो इस डीएनएस सर्वर को यूज करके हमारे डोमेन कंट्रोलर तक पहुंचेंगे और ऑथेंटिकेशन करेंगे, इसलिए डीएनएस की भी जरूरत है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे जो डब्ल्यू सुस सर्वर है उसके अंदर 2 लैन कार्ड होने चाहिए, ठीक है।
एक होना चाहिए लोकल एरिया से कनेक्ट करने के लिए और दूसरा इंटरनेट से जोड़ने के लिए। तो दोनों लैंड कार्ड आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरनेट से कनेक्ट होके यहाँ पे अपडेट उठाएगा, पैच उठाएगा और लोकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि जितने भी क्लाइंट आएंगे ये बिना बिना इंटरनेट के ही अपडेट उठाएंगे अपने WSUSE सर्वर को कनेक्ट करके। तो जितने भी आपके क्लाइंट हैं ये WSUSE सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे 8530 पोर्ट पे, और ये क्या करेगा, इसको अपडेट पहुंचा देगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड अपडेट होंगे वही हमारे क्लाइंट में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक GPO बनानी पड़ती है, ग्रुप पॉलिसी। इसके लिए हमें ये जो ग्रुप पॉलिसी होती है सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग OU बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं हमने OU बना रखे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि भाई मार्केटिंग OU है एक, एक एडमिन OU है, एक HR OU है, ठीक है, एक OPT है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है और इनके अंदर हमारे यूजर्स या कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो GPO बनाएंगे हम, वो GPO यहाँ पे भी काम करेगी, यहाँ पे भी काम करेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे, इसी GPO के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अलग अलग GPO अलग अलग जगह पे काम करे तो वो भी आप बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके लिए क्या बनाई है, एक डोमेन GPO बनाई है। क्या बनाई है, एक डोमेन GPO। डोमेन GPO का ये फायदा है कि पूरे डोमेन के अंदर अप्लीकेबल हो जाएगा वो, अलग अलग मुझे GPO बनाने नहीं पड़ेगी, अलग अलग जो OU बना रखे हैं उन पे जो है इंडिविजुअली मुझे ग्रुप पॉलिसी यूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं एक GPO बनाई है, GPO में मैंने अपडेट जो है वो सेट कर रखे हैं और उसके थ्रू वो आपके जो क्लाइंट मशीन है वो उसके थ्रू अपडेट उठाएगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए देखो एक और रिक्वायरमेंट होती है, जब आप WSUSE सर्वर डाल रहे होते हैं तो इसके लिए IaaS सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। IaaS सर्वर जो है वो एक वेब कंपोनेंट है, यानी कि ये वेब सर्वर होता है। ये वेब सर्वर क्या करता है, एक डिफॉल्ट साइट बनाता है। क्या बनाता है, एक डिफॉल्ट साइट। ये डिफॉल्ट साइट बना के काम करता है और हमारा जो http://, और यहाँ पे जो सर्वर होता है वो एज ए URL के फॉर्म में काम करता है। जैसे हमारे सर्वर का नाम है DC01, तो DC01.india.com, आगे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8530। तो ये पूरी एक क्या बन गई, साइट बन गई, ये साइट का URL बन गया। अब इस URL को यूज करके क्लाइंट क्या करेंगे, कनेक्ट होंगे और इसके बाद हमारा जो WSUSE सर्वर है इसी के थ्रू अपडेट्स को क्लाइंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमें क्या चाहिए, अपनी एक हार्ड डिस्क चाहिए अलग से कम 6 GB का स्पेस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और हार्ड डिस्क आपकी 80 GB या रिकमेंडेड है, 80 GB होनी चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेड है, इससे कम भी होगी तो चलेगा, लेकिन कम से कम 6 GB उसमें स्पेस होना चाहिए। ठीक है, सारे जितने भी क्लाइंट है वो डोमेन ज्वाइन होने चाहिए, तभी उसमें काम हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें आइए ये WSUSE रोल डालोगे अपनी मशीन पे। ठीक है, और काम करोगे फिर उसके ऊपर। उसके बाद देखो लैब में हम बता देते हैं क्या क्या आपको करना होगा। देखो ये मैंने लैब बना रखी है इसके पहले से ही, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको सर्वर मैनेजर में जाना होगा। सर्वर मैनेजर में आप जाएंगे और एड रोल्स फीचर करके WSUSE रोल को इंस्टॉल करेंगे। पहला तो काम ये होगा आपका, एड रोल्स में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे रूल बेस फीचर बेस इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे WSUSE सर्वर। ये देखो ये WSUSE सर्वर ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है तो फिर ये आ नहीं रहा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखो इसके साथ हमारे पास जो वेब कंपोनेंट है या वेब सर्वर है वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, IaaS सर्वर और जो इसके कंपोनेंट है वो भी आपके डल जाएंगे। ठीक है, तो अभी इससे आगे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया ये। ठीक है, तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जो है इस तरह का कंसोल दिखाई देगा। यहाँ पे आप जाओगे टूल्स के अंदर WSUSE विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। ये देखो ये WSUSE का आपका कंसोल ओपन हो गया।
अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो अपडेट्स लिखा आ रहा है, और यहाँ पे ऑल अपडेट पे क्लिक करोगे आप तो जो जो अपडेट हमारे पास होते हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास देखो विंडोज 7 वाली मशीन है, उसके हमने अपडेट चूज किए थे, तो ये विंडोज 7 वाली मशीन के अपडेट आ रहे हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे .NET फ्रेमवर्क है, ये मैंने क्या कर रखा है, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है, ये देखो इसके बाद देखो ये नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं। नाइनटीन वाले ये हैं देखो, ये सारे 19 वाले, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको जो है यहां से सेट करनी है, राइट क्लिक यहां पे करना है, ये चीज लेनी है। देखो देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ चीजें नहीं होती तो इसमें मैंने ऐड की है। देखो एक तो इंस्टॉलेशन स्टेटस, ठीक है, और दूसरा ये देखो सुपर सुपर से डेंस, ये यानी कि जो सुपर सीडेड अपडेट होते हैं, यानी कि जो अपडेट्स पहले से अगर नहीं होंगे, ठीक है, कोई अपडेट अगर पहले से नहीं है और एक दूसरा अपडेट आ रहा है तो वो उस दूसरे वाले अपडेट पहले वाले अपडेट के साथ लिंक में रहता है, इसलिए कहते हैं सुपर सीडेड। यानी कि अगर पहले वाला अपडेट नहीं है तो आप उसमें नया अपडेट नहीं डाल सकते, ठीक है, तो वो आपस में लिंक रहते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो वो चीज देखने के लिए आप कर सकते हो। फिर क्लासिफिकेशन चूज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन जैसे ही आप चूज करोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, बहुत सारे अपडेट मिक्स रहते हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, जैसे 2019 का अलग हो गया, 2007 के अलग आ रहे हैं, तो इस तरह से, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से। फिर अप्रूवल, यहाँ जो जो हम अप्रूव करेंगे वो दिखा देगा अप्रूव है या नहीं है, ठीक है, इंस्टॉल है या नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पे आप टिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अब ये कॉलम सेट कर सकते हो जिससे कि आप इसको इजीली पहचान सको अपडेट को, ठीक है, कौन सी अपडेट हमारे लिए है या नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह के कॉलम आप जो है सेट कर सकते हो यहाँ पे। इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी आ रही है, ऑल अपडेट तो इसमें आएंगे, क्रिटिकल अपडेट यहाँ आ रहे हैं, देखो सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे आएंगे, ये देखो ये सिक्योरिटी अपडेट है, WSUS वाले अपडेट यहाँ आएंगे, ठीक है, इस कैटेगरी में अभी कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर्स में अगर आप जाते हो तो जो कंप्यूटर आपके नेटवर्क में है वो यहाँ दिखाएगा आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है। इसमें देखो ये पहला वाला जो है, ये वाला हमारा अपना सर्वर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख रहा है 2019 डेटा सेंटर। दूसरा हमारा है देखो WSUS2, ये दूसरा सर्वर है, ये वाला, इसे भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। और तीसरे वाला ये आपका क्लाइंट है विंडोज 7 वाला, ठीक है। ये तीनों PC यहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं, तो डिटेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेक्शन कैसे करवाना है। ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं होते, ये डिटेक्ट करवाने पड़ते हैं। तो डिटेक्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कमांड चलानी पड़ती है कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे आप जाओगे यहाँ पे लिखा है, लिखोगे WSUSELT स्लैश डिटेक्ट नाउ, ये कमांड चलाओगे। इसके अलावा स्लैश रिपोर्ट नाउ, रिपोर्ट नाउ से क्या होगा, जितने PC होंगे वो रिपोर्ट करेंगे WSUS सर्वर को उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, ठीक है, और उसके बाद ये इस लिस्ट में एक्सेस हो जाएंगे। तो इसको आप क्या है, कई बार चलाओगे उसके बाद ही ये डिटेक्ट होगा, एकदम डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी ये देखो 10-15 मिनट ले लेता है डिटेक्ट होने में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इस कमांड को रिपीट करते रहोगे। इस कमांड को आपको अगर नहीं ले रहा है तो उसके बाद एक और कमांड आप चलाओगे, रीसेट ऑथराइजेशन, रीसेट ऑथोराइजेशन। रीसेट ऑथराइजेशन क्या करता है, क्लाइंट को वापस से WSUS सर्वर से कनेक्ट कराता है फोर्सफुली, ठीक है, ऑथराइज दोबारा से क्या ऑथराइज करता है, और फिर दोबारा से वो क्या हो जाती है, सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाती है और फिर से वो डिटेक्ट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से क्लाइंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप ट्रबल शूटिंग के लिए इसको चला सकते हो, रीसेट ऑथराइजेशन, तो वो वापस से री ऑथराइज होकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हर क्लाइंट में चलाना है और हर सर्वर पे चलाना है, ठीक है, जो जो आपको कनेक्ट करानी है अपने इन्वायरमेंट के अंदर।
अगर डिटेक्ट नहीं हो रहे तो आप चला सकते हो, अगर डिटेक्ट हो गए फिर जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। उसके बाद देखो डाउन स्ट्रीम सर्वर में, अगर आपके डब्ल्यू सूस के नीचे कोई सर्वर है तो वो आपका डाउन स्ट्रीम सर्वर कहलाता है। तो आपका देखो डाउन स्ट्रीम सर्वर कोई नहीं है यहाँ पे, अगर आप डाउन स्ट्रीम सर्वर बनाना चाहते हो तो एक और डब्ल्यू सूस सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि अपडेट सर्वर के साथ कनेक्टिविटी, सिंक कितनी बार हुआ है, कितनी बार सिंक्रोनाइज हुआ है अपडेट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखकर लिखा आ रहा है थ्री सिंक्रोनाइजेशन, और ये यहाँ पे दिखाएगा अभी कि कौन कौन सी सिंक्रोनाइजेशन हुई है अभी तक। तो देखो ये फर्स्ट होती है इनिशियल सिंक वाली, सेकंड, थर्ड, तीन मैंने करी है अभी तक, और इसके थ्रू देखो नए अपडेट डिटेक्ट हुए हैं, ठीक है। कुछ अपडेट आपके ऐसे होते हैं जो एक्सपायर रहते हैं, जो काम के नहीं होते, तो उनको हम यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्लीन अप विजार्ड चलता है जिसके थ्रू क्लीन अप करते हैं हम लोग, ठीक है, पुराने अपडेट्स को, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन आप कर सकते हो। ये इसके लिए देखो सिंक्रोनाइज नाउ पे क्लिक करोगे आप, और अब ये इंटरनेट से कनेक्ट होके सिंक्रोनाइज करना स्टार्ट करेगा। ये देखो अभी 0% हुआ है, तो इसी तरह से ये 100% होगा, अगर कोई अपडेट उठाने होंगे इसे तो उठा लेगा, नहीं तो सक्सीड हो जाएगा। देखो सक्सीड हो गया, तो अब और कोई नई डिफिनेशन इसके अंदर नहीं आई है तो इसलिए सक्सीड होके दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट ऑप्शन में आप जो है अपने क्लाइंट की रिपोर्ट या समरी उसको दिखाता है। तो रिपोर्ट देखने के लिए, समरी रिपोर्ट के लिए आपको चाहिए होता है रिपोर्ट व्यूअर। अब रिपोर्ट व्यूअर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए देखो ये आपको कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट व्यूअर 2012 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप जाओगे डाउनलोड फोल्डर में, और देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है रिपोर्ट व्यूअर। रिपोर्ट व्यूअर को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एसक्यूएल सर्वर क्लियर टाइप्स डेटाबेस फॉर एसक्यूएल सर्वर, इसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो मैं रिपोर्ट व्यूअर को इंस्टॉल करूंगा तो देखो एक एरर आएगी, आप देखना। ये देखो ये एरर आ रही है, देखो क्या आ रही है, ये कह रहा है सेटअप इज मिसिंग एंड इंस्टॉलेशन प्री रिक्विजिट्स माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम CLR टाइप्स ऑफ SQL सर्वर 2012, ये आपको चाहिए। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है इसीलिए, ये देखो SQL सर्वर क्लियर टाइप्स, डबल क्लिक करोगे इस पर और इसका विजार्ड चलेगा, नेक्स्ट करोगे, एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट करोगे, नेक्स्ट करोगे और इसे इंस्टॉल करोगे। ये CLR टाइप है SQL सर्वर की, ये जरूरी होती है इसके लिए। होगी यहाँ पे इंस्टॉल, फिनिश कर, रिपोर्ट व्यूअर कहाँ से डाउनलोड किया? इंटरनेट से, एक बार देखा ना मैं कौन से। इसके बाद रिपोर्ट व्यूअर पे क्लिक करोगे और ये आप यहाँ पे विजार्ड चलाओगे इसको, देखो नेक्स्ट इंस्टॉल। आप देखो आप कोई एरर नहीं आ रही, अब इंस्टॉल हो रहा है, आराम से इंस्टॉल हो चुका है। तो देखो आप डाउनलोड कैसे करोगे, जब ये आपसे बोलता है एरर के लिए, देखो यहाँ पे यहीं पे आप क्लिक कर दो, ये आपको इंटरनेट पे ले जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखो ये आपका रिपोर्ट व्यूअर है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ये देखो अब डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सेव के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप डाउनलोड करोगे इसे, सेव कर दो, ये देखो पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और फिर आप इसको सेटअप चलाओगे तो CLR की डिमांड करेगा,
और फिर आप CLR भी डाउनलोड कर लोगे इस तरह से, ठीक है? समझ आया? अब ये देखो ये चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल भी कर दिया, चल नहीं रहा है क्यों? क्योंकि ये आपने रिफ्रेश नहीं किया है, इसके लिए आपको इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक बार ऑफ करना पड़ेगा फिर से ऑन करना पड़ेगा, अब ये चलेगा रिपोर्ट। ये देखो चल गया ना, अब कोई एरर नहीं आ रही। ये समरी रिपोर्ट दिखाता है। अब समरी रिपोर्ट किस किस के दिखा रहा है? जो यहाँ पे देखो DC 0100, DC 0100 की समरी रिपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है? अब इसमें देखो रिपोर्ट आपको ऐसे जो चेक करनी है वो कैसे करोगे? कंप्यूटर रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको कंप्यूटर्स में जाना होगा, ऑल कंप्यूटर्स में जाना होगा, और यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करना होगा, डबल क्लिक करना होगा, तब ये इसकी रिपोर्ट दिखाएगा। ये देखो रिपोर्ट जनरेट हो रही है, अब ये कंप्यूटर की एक एक रिपोर्ट दिखाएगा। ये देखो अभी दिखा रहा है, जीरो अपडेट फेल्स टू इंस्टॉल, जीरो अपडेट हैज नॉट बीन इंस्टॉल, 5979 अपडेट हैव बीन इंस्टॉल और नॉट एप्लीकेबल, जीरो अपडेट हैव नोन स्टेटस, ठीक है? इतने अपडेट इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं और कोई नया अपडेट इसके लिए अभी कोई रिकमेंडेड नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से अपडेट है, क्योंकि मैंने इस सर्वर को पहले से ही अपडेट कर रखा था, तो इसलिए इसके पास कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन अब मैं क्लाइंट पीसी पे जाता हूँ और उसमें चेक करता हूँ। ये देखो ये क्लाइंट पीसी है मेरा Windows 7, इसकी भी रिपोर्ट जनरेट होगी। इसमें देखो दिखा रहा है जीरो अपडेट फेल टू इंस्टॉल, 491 अपडेट हैव नॉट बीन इंस्टॉल, इतने अपडेट इसको चाहिए 491, ठीक है? और 5488 अपडेट हैव बीन इंस्टॉल और नॉट एप्लीकेबल, जीरो अपडेट हैव बीन अननोन स्टेट, ठीक है? तो अभी इसे अपडेट चाहिए, ठीक है? तो मैंने इसको कुछ अपडेट यहाँ से देने हैं, तो देखो कैसे देंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपडेट्स के अंदर और अपडेट्स को अप्रूव करना होगा। तो देखो क्रिटिकल अपडेट में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे अपडेट को मैं सेलेक्ट करूँगा जो मैं मुझे इसे अपडेट देने हैं। तो मुझे इसे ये दो अपडेट मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे अप्रूव, अप्रूव में जाऊंगा और यहाँ पे देखो अप्रूव फॉर इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ठीक है? ऑल कंप्यूटर्स में भी सेलेक्ट करोगे, अनअसाइन में भी करोगे, तो ये इसी कैटेगरी के अंदर पड़े हुए अभी कंप्यूटर, ओके कर दोगे, तो ये देखो सक्सेस लिखा आ गया, यानी कि अप्रूव हो चुके हैं अपडेट। और ये अप्रूव होने के बाद डाउनलोड होंगे, ये वाले अप्रूव होने के बाद डाउनलोड होंगे, तो डाउनलोड क्या कहाँ पे देखोगे कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यहाँ पे देखो अपडेट्स नीडेड फाइल टू, ये मैंने दो अपडेट यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए चालू कराए हैं और अभी डाउनलोड 0% हुए हैं, यानी कि 0 MB डाउनलोड हुआ है, 1.85 MB में से 0 MB डाउनलोड हुए हैं, यानी कि डाउनलोड अभी नहीं हुए हैं, जब मैंने अपडेट अप्रूव कर दिए अब डाउनलोड लगेंगे, अब डाउनलोड ये होंगे, ठीक है? लेकिन डाउनलोड कब होंगे? जब मैं इस सर्वर को सिंक करूंगा, ठीक है? तो सिंक करने के लिए देखो मैं सिंक्रोनाइज पे जाऊंगा और इसे सिंक करूंगा मैं यहां से, ठीक है? अपडेट सर्वर से मैं क्या करूंगा, इसको सिंक करूंगा, और सिंक करने के बाद ये अप्रूव हो जाएंगे, अच्छी तरह से डाउनलोड हो जाएंगे। ये मैं यहां पे सिंक करने जा रहा हूं, ठीक है? और सिंक होने के बाद ये इसमें डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है? देखो जीरो लिखा आ गया, यानी डाउनलोड हो चुके हैं, 1.85 MB डाउनलोड हो चुका है, ठीक है? और डाउनलोड होने के बाद अब मेरे क्लाइंट में ये अपडेट दिखाई देंगे, ठीक है? अब इसके लिए मैंने जो ग्रुप पॉलिसी बनाई थी, पहले मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। देखो ग्रुप पॉलिसी बनाने के लिए आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे चूज करना है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ये देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे WSGPO बनाई है, तो GPO बनाने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, क्रिएट ए GPO पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नाम लिखोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे नाम लिख के ये आ गया GPO, इसको एडिट करना होगा आपको। एडिट करोगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, पॉलिसीज में जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाओगे, सिस्टम कंपोनेंट में जाओगे, और इसके बाद जाओगे आप लास्ट ऑप्शन आता है WSUS, ये
विंडोज अपडेट का। विंडोज अपडेट में जाने के बाद यहां पे आप सेलेक्ट करोगे इंटरनेट लोकेशन, इंट्रानेट लोकेशन फॉर सर्वर। तो ये देखो ये है स्पेसिफाई इंट्रानेट लोकेशन, और यहां पे हम देखो ने डाला है एचटीटीपी, सर्वर का नाम डाला है कॉलन 8530। ठीक है, सेट द इंट्रानेट स्टैटिक सर्वर सेम डाला है। ठीक है, ये देखो, और यहां पे चूज कर दिया है हमने डिफॉल्ट ऑप्शन। ठीक है, इसे इनेबल कर दिया है। इसके बाद देखो ऑटोमेटिक डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 22 आवर आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 आवर कर दिया, हर घंटे ये अपडेट को भेजेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टर्न ऑन सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, जिससे नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके आपको पता लग जाए कि वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। ऑटोमेटिक अपडेट इमीडिएट इंस्टॉलेशन ऑन कर दिया है, इनेबल कर दिया। ठीक है, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट इनेबल किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो थर्ड ऑप्शन चूज किया ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई। ठीक है, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस में आ रहा है एवरी डे 3 o'clock में एवरी डे ये आपको मेंटेनेंस के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको चलाना है जीपी अपडेट। ठीक है, तो आप यहां पे रन में जाके जीपी अपडेट पे क्लिक करोगे जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, तो आपका जो सर्वर है वो अपडेट हो जाएगा। इससे ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो गई। ठीक है, अब ये पॉलिसी क्लाइंट में भी अप्लाई हो जाएंगी, तो आपको क्लाइंट और सर्वर जितने भी आपके हैं सभी में ये पॉलिसी अपडेट कर देनी है। ठीक है ना, ये विंडोज 7 मशीन है, इसमें रैम कम है, इस वजह से बंद हो जा रहा है बार बार। इसमें चलो उसे ऑन करके देखेंगे। अब हम उन्हें क्लाइंट में जाके चेक करते हैं कि अपडेट आए कि नहीं, इसके लिए जो हमने वहां से अप्रूव किए वो इस क्लाइंट में आने चाहिए। तो ये देखो अभी कनेक्ट हो रहा है ये। यहां पे हम जाएंगे विंडोज अपडेट में, इसमें आपको जाना है सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट। ये देखो यहां पे ये अपडेट इसने उठा लिया है, ये देखो इंस्टॉल अपडेट फ्रॉम योर कंप्यूटर, 3 important updates आर अवेलेबल। ये देखो ये अपडेट इसके लिए अवेलेबल है, ये देखो। ठीक है, डब्ल्यू सू सर्वर से ये अपडेट आपके सिस्टम में आएंगे। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया है, चेकिंग फॉर अपडेट, ये डिफेंडर के चेक हो रहे हैं। यहाँ पे आके आप इंस्टॉल अपडेट कर दोगे तो जो अपडेट सर्वर से आए हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। देखो मैनेज बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, देखो
अभी तक कोई अपडेट इंस्टॉल नहीं थे, नेवर लिखा आ रहा है, लेकिन अब अपडेट हम ले रहे हैं। किसके थ्रू ले रहे हैं? डब्ल्यू सूस के थ्रू। यू रिसीव अपडेट फ्रॉम मैनेज बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही हम ले रहे हैं, यानी कि हम डब्ल्यू सूस सर्वर से ही अपडेट ले रहे हैं। तो अपडेट इंस्टॉल करने से पहले ये रिस्टोर पॉइंट बनाता है ऑटोमेटिक विंडोज 7 की मशीन, और उसके बाद ये अपडेट इसके ऊपर इंस्टॉल होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वापस से रिस्टोर पॉइंट पे क्लिक करके इसको रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए रिस्टोर पॉइंट बाय डिफॉल्ट बनाता है। ये देखो अब ये आ रहे हैं, देखो अपडेट इसके, तो जो जो अपडेट इसके लिए एप्लीकेबल होंगे हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे जो सर्वर है उस पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि हमारे जो क्लाइंट है उसके पास अपडेट जा चुका है या नहीं, ठीक है? तो इसमें देखो लिखा आ रहा है 92%। ये देखो अब जब इंस्टॉल हो जाएगा ये तो आपको दिखा देगा ये अपडेट होके। ये अपडेट इंस्टॉल हो रहे हैं, देखो यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, अगर आप सोच रहे होंगे इंटरनेट से उठा रहा, नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं चल रहा है इसमें, नो इंटरनेट कनेक्शन, ये लाइन के थ्रू अपडेट उठ रहे हैं। ये देखो इसके बाद अब ये रिस्टार्ट करेंगे इसको, अब ये अपडेट कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। ये 2019 के लिए अपडेट है, अपडेट सुपरसीडेड बाय अनदर अपडेट बिफोर यू डिक्लाइन योर सुपर अपडेट वी रिकमेंड यू वेरीफाई नो लॉगर डिटेल एनी कंप्यूटर्स। ये अपडेट जो है जरूरत नहीं है इसकी, इसमें इंस्टॉल हो गया होगा, अब हो रहा है। अब इसको लॉगिन करेंगे, बाबू।
अपडेट होने के बाद ग्राफिक्स भी अच्छे हो गए इसके। और यहाँ पे फिर जाएंगे हम विंडोज अपडेट। देखो लिखा रहा है विंडोज इज अप टू डेट, ठीक है, अपडेट वर इंस्टॉल टुडे दिस, ठीक है। अच्छा बेसिकली, अच्छा ओके सर, कुछ और अपडेट ले लो, दो अपडेट और ले लो कुछ। जो अपडेट पे देखो ये लिखा रहा है ना सुपर सीडेड, तो उनको मत लेना क्योंकि वो अपडेट इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपने आप बता रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, इसको कर देते हैं अप्रूव। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क इसकी, हाँ इसकी जरूरत है। अब देखो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप ग्रुप बना सकते हो कंप्यूटर का। जैसे राइट क्लिक करोगे ऐड कंप्यूटर ग्रुप, अब जैसे मान के चलते ये जो कंप्यूटर है मार्केटिंग में है, तो एमकेटी ग्रुप बना लिया। ये देखो एमकेटी ग्रुप बन गया, और जो हमारा कंप्यूटर है विंडोज 7 वाला उसे मार्केटिंग में डाल देते हैं। देखो विंडोज 7 वाला पीसी है, इसको चेंज मेंबरशिप मार्केटिंग, ये देखो इसे मार्केटिंग में आपने डाल दिया। देखो अब जो अपडेट आएगा मार्केटिंग के लिए वो अप्लाई कर देंगे। देखो क्रिटिकल अपडेट में से चूज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला चूज किया, अप्रूव। अब हमें पता है मार्केटिंग में है, तो देखो मार्केटिंग को अप्रूव कर दो और ओके कर दो। ये देखो तो इसके लिए अप्लाई हो जाएगा अपडेट, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज 7 के पीसी में आएंगे। देखो यहाँ पे देखो विंडोज देखो विंडोज इंस्टॉल न्यू अपडेट, इस पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन आया है। ये देखो ये अपडेट इस पे आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा चेक फॉर अपडेट पे दोबारा से क्लिक करोगे तो फिर से ये चेक करेगा अपडेट की और कोई नए अपडेट आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये चेक कर रहा है, पर ये डाउनलोड होने चाहिए पहले, सिंक होना चाहिए, उसके बाद डाउनलोड होंगे, उसके बाद ये आएंगे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं डाउनलोड में कोई दिखा रहा है कि नहीं। अपडेट नेटेड 0 दिखा रहा है, सिंक नाउ। तो कंप्यूटर ग्रुप 1 आ गया। देखो कंप्यूटर 3 आ रहे हैं इसमें, डिक्लाइन अपडेट 95 है, अप्रूव 9 है, टोटल अपडेट इतना है, ठीक है। वोट 8530 के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्या है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग की रिपोर्ट देखनी है। तो ये दिखाई है इसने, इसकी 488 अपडेट नॉट बीन इंस्टॉल है, इतने अपडेट इंस्टॉल हो गए, ठीक है।
यहाँ से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो प्रोडक्ट की, जो जो अपडेट आप और लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ये देखो ऑल प्रोडक्ट में अगर आप यहाँ चूज करोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो जो भी आप चूज करना चाहते हो कर सकते हो। ये देखो अभी मैंने विंडोज 7 पे किया हुआ है, अगर आप चाहते हो विंडोज 8 के भी लेने हैं तो 8 पे क्लिक कर दो, तो अब 8 के भी अपडेट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 में बहुत सारे अपडेट हैं अलग अलग टाइप के, तो उनको चूज कर सकते हो। देखो 8 वाले सेलेक्ट करो, या 12 वाले करने हैं तो 12 वाले कर सकते हैं, 2012। ठीक है, 19 वाले सेलेक्ट हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो प्रोडक्ट आप लो लेना चाहते हो ले सकते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन में से। ठीक है, ये लैंग्वेज है, अपडेट फाइल्स अपडेट लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश सेलेक्टेड है, कोई और लैंग्वेज के अपडेट लेने हैं तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, अपडेट फाइल देखो, स्टोर अपडेट लोकली ऑन दिस सर्वर, डाउनलोड अपडेट्स टू दिस सर्वर एंड व्हेन अपडेट्स आर अप्रूव, जब अप्रूव होगा तभी ये डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन फाइल, तो ये जो जिप वाली फाइल होती है उनको भी उठा लेगा ये। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस वाली फाइल होती है उनको भी डाउनलोड करे, तो उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये हो गया। सिंक्रोनाइज शेड्यूल आप बना सकते हो, कब कब सिंक्रोनाइज हो। ठीक है, हर दिन आपके जो है सिंक्रोनाइज हो ना, सिंक्रोनाइज पर डे 6 बार हो, ठीक है 10 बार हो, तो ये आप बता सकते हो कितनी बार सिंक हो। ठीक है, तो ये सेटिंग आप कर सकते हो। ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए रूल बना सकते हो आप, यहाँ पे आप न्यू रूल सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे व्हेन ए अपडेट इन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे आप चूज करोगे भाई, मान के चलते हैं आप क्रिटिकल लेना चाहते हो, अगर क्रिटिकल में कोई अपडेट आया मान के चलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल अपडेट्स, तो क्रिटिकल अपडेट कहाँ पे अप्लाई हो, मार्केटिंग पे अप्लाई हो जाए, तो मार्केटिंग के लिए हो गया ये एक रूल बन गया, इसका नाम रख दो MKT अप्रूवल। ठीक है, फॉर किसके लिए था ये, सिक्योरिटी के लिए था। तो जब भी अब इस क्लासिफिकेशन में कोई अपडेट आएगा वो मार्केटिंग के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा, अप्लाई कर दो, इस तरह से आप रूल बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अप्रूवल में है। कंप्यूटर में आपने यूज द अपडेट सर्विसेज कंसोल, सारे कंप्यूटर कंसोल पे दिखाई दें उसके लिए है सेटिंग। ठीक है, अगर कोई अपडेट एप्लीकेबल नहीं है तो क्लीन अप विजार्ड से आप उसे हटा सकते हो, ये क्लीन अप विजार्ड होता है। अनयूज जो अपडेट होते हैं पिछले लास्ट 30 दिन के जो अपडेट हैं, अगर कोई यूज नहीं हो रहे, अनवांटेड अपडेट्स हैं, ठीक है, तो उनको वो डिलीट कर देता है। ठीक है, इसके लिए आप जो है इस विजार्ड को ओपन करोगे, तो जो एक्सपायर अपडेट है उनको हटाएगा, अननीडेड अपडेट को हटाएगा, कंप्यूटर्स नॉट कॉन्टेक्टिंग सर्वर, अगर ऐसे कंप्यूटर जो कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको यहाँ क्या है डिलीट करेगा, कंप्यूटर्स को भी लिस्ट में से हटा देगा, और सुपर सीडेड अपडेट्स ये भी हटा देगा। ठीक है, जो डिक्लाइन वाले अपडेट होते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, ये देखो यहाँ पे क्लीन अप कर रहा है, तो इससे क्या है कि अनवांटेड जो स्पेस है, जो आपका मतलब स्पेस है ज़्यादा कंज्यूम हो रहा, अनवांटेड फाइल उनको डिलीट कर देता है। ठीक है, जिनकी जरूरत नहीं होती, तो इसने देखो 2 फाइल डिलीट की हैं जो जरूरत नहीं थी इनकी। ठीक है, अनयूज अपडेट के लिए, ये देखो, तो इस तरह से आप क्लीन अप करके काम कर सकते हो इसमें। ठीक है ना, तो यही है बस इसमें WSUS सर्वर में। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो उसके बारे में। ठीक है, तो इसको बना के आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्वर में भी अपडेट आ गए होंगे ना, सर्वर मशीन में। सर्वर मशीन में, सर्वर मशीन के लिए अभी अप्रूव ही नहीं किए थे, अच्छा हाँ सर्वर वाले के लिए अप्रूव करना, तो उसके लिए भी कर देंगे, ये अच्छा क्यों ओके अच्छा इसके लिए नहीं किया था ना। तो ऐसे वन बाय वन करना पड़ेगा अप्रूव, अगर समझ लो 100 मशीन हो गए तो।
तो ग्रुप में डाल दो ना कैसे मशीन करेंगे? को, देखो मार्केटिंग का ग्रुप है, अच्छा 100 मशीनें है उसमें, तो वो ओके, एक अप्लाई बार हो जाएंगी मार्केटिंग में, जितनी भी ऑटोमेटिक जाएंगी सब, राइट राइट, है ना, ओके 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 इसलिए ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। देखो वीएमवेयर के भी डिस्प्ले ड्राइवर आ चुके हैं इसमें, देखो जो उस पर अपडेट होंगे तभी तो, ये देखो इस क्लासिफिकेशन में ड्राइवर आए थे ना, ये देखो, तो ये ड्राइवर भी चले जाएंगे, देखो अप्रूव कर देते हैं, ऑल कंप्यूटर में कर देते हैं, सभी जगह चले जाते हैं, जितनी मशीनें हैं वीएमवेयर वाली होगी ना, उसमें डिस्प्ले ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा सब में, देखो ये देखो मार्केटिंग ये सब में चला गया, सक्सेसफुल है, तो जो यहाँ पे आप अप्रूव करोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। सिक्योरिटी अपडेट, ये तो सारे 7K ज्यादा आ रहे हैं ना, क्योंकि 7 ऐड किया हुआ था मैंने। ऑल अपडेट इसमें 2019 के ऊपर होंगे, का कहाँ चला गया, ये रहे। सुपर सीटेड दिखा रहा है, ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं ये, इसलिए नहीं दिखा रहा है। नीडेड में 1 दिखा रहा है, देखो एक ही कंप्यूटर को नीड है, बाकी को जरूरत ही नहीं है, ये अप्लाई नहीं होंगे, ये अपडेट जो आए हैं ना उसके लिए नहीं होगा ना, क्योंकि ये लेटेस्ट ही डला हुआ ना है सर्वर, तो इसके लिए कोई अपडेट 19 का ये लेटेस्ट है वर्जन, ये देखो फिर से आ गए, देखो क्या फिर अपडेट आ गए, फिर इंस्टॉल कर लो आप, गया? ये देखो तो ये आते रहेंगे, जो जो अप्रूव करते रहेंगे आते रहेंगे, आप इंस्टॉल करते रहो, ये देखो हो रहे हैं इंस्टॉल, ऐसे चलता रहेगा। अभी मैंने ज्यादा मशीनें ली नहीं ली है ना इसलिए, क्योंकि ये तो देखो लेटेस्ट ही है, इसमें तो कोई ज्यादा इसमें कोई अपडेट की जरूरत ही नहीं है इसको, इसके लिए जो अपडेट है एप्लीकेबल ही नहीं है इस पे, यहाँ नीडेड में दिखा देगा ना, 2 दिखा देगा, अगर जरूरत होगी तो दिखा देगा, अभी 1-1 लिखा आ रहा है तो वो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसको आप अप्रूव क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार मशीनें आप ऐड करोगे ना, तब वो दिखाएगा, नीडेड दिखाएगा आपको, जितनी मशीनों को नीडेड होगा उतने आप अपडेट ले जा सकते हो उसमें, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है, इसमें इतना ही है।